प्रोजेक्ट बना के दिखाना है। वो प्रोजेक्ट में मतलब हमारे क्लास का पूरा, पूरे क्लास का नहीं मतलब पूरे क्लास में, मतलब हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के लिए उसको लिया जाएगा। मेरा कहा कि ये सब थीम से नहीं है, ये थीम से है। थीम है टेक्निकल, टेक्निकल इनोवेशन नहीं, टेक्निकल एंड टॉय। और सब थीम है ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन। तो सब थीम पे बनाना था, मैंने एक्चुअली जो थीम है उस पर बना लिया। तो मेरा इंस्पायर मिल जाएगा, इंस्पायर मतलब रिजेक्ट नहीं, इंस्पायर मतलब क्या कहूँ मैं। तो ये लाइट बल्ब जो खराब हो गया था उसको मैम ने चेंज करने को कहा। ये जो लाइट बल्ब अगर आपको दिख रहा हो, हाँ ये लाइट बल्ब ये खराब हो गया था, ये हमने यहाँ फिट की। ये है हमारा मतलब वो किसान लाओ, किसान लाओ एक किसान लाओ। दूसरा किसान का भाई भी है, ये भी छोटा है। जल्दी खाना बनाते हो ना? हाँ हाँ जल्दी खाना बनाओ। किसान है ये, किसान यहाँ पे मतलब, अरे किसान तो खड़ा ही नहीं हो रहा है। अरे वहाँ कहाँ छोटा किसान, किसान एक किसान लाइट को देख। देखिए ये हमने बनाया है जिससे, देखिए रुको पापा पंखा ऑन करके दिखाना। ये पंखा ऑन होता है ठीक है, और जब रात हो जाएगी तब ये लाइट भी ऑन होगा। तो अगर सर कहेंगे लाइट ऑन कीजिए तो अभी तो रात नहीं हुआ है ना, फार्मर को दिखेगा, इसलिए आज हम लाइट ऑन नहीं करेंगे। अभी जब रात हो जाएगी तब आपको दिखाएंगे लाइट ऑन करके, इसलिए ये बनाया है हमने। और ये अभी देखिए ये रहा किसान जो कि दीवार के सहारे खड़े को स्टाइल मार रहा है। इसका पैर सीधा करो पापा, इसका पैर एक्चुअली टाइट है। ये किसान इंजीनियर वाला किसान है, ये सारे घूम रहे हैं इधर उधर पागल। और लाइट बल्ब जलाने के लिए देख रहे हैं, पर इनकी हाइट उतनी नहीं है कि लाइट जला पाए। देखें इनकी हाइट कितनी छोटी है, लाइट से लाइट भी नहीं जला पाएंगे। किसान है किसान। तो पापा किसान का यहाँ क्या काम है जब इंजीनियर है यहाँ पे? हाँ ये इंजीनियर से इतने सारे मशीन का मॉडल है। चलिए आपको दिखा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसे वर्क करता है आपको मैं फंक्शन दिखाऊंगी। वैसे बोल तो नहीं पाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ में बटन है जिससे फैन ऑन होता है। यहाँ पे हम अपने फनल के अंदर जो थ्रेशिंग के बाद जो भी भूसे वाला चावल होता है वो इसके अंदर डालेंगे। धीरे धीरे इसको ग्राइंडर पंखा ऑन रहेगा जिससे सारा भूसा साइड में आके यहाँ निकलेगा भूसा, और चावल बचेगा। तो मैं अभी आपको ये सब करके दिखाने वाली हूँ। देखो तो पहले मैं इसको बंद कर लेती हूँ, नहीं तो अचानक ऐसे ही गिर जाएगा। तो ओके हम इसको इसके अंदर डालेंगे ठीक है, ताकि भूसा वगैरह हो। और अभी हम पंखा ऑन करते हैं। कितना उड़ा रहे, देखिए कितना ताकतवर पंखा है। बंद कर देते हैं, अभी बहुत सारे चावल मैंने वो कर दिए हैं। और अगर आपको हम अंदर दिखाएं तो अंदर देखिए थोड़ा चावल अच्छे से साफ हो चुका है, थोड़ा जो भूसा यहाँ पे देखिए कलेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत। तो आप अगर इस प्रोसेस को 3-4 बार करते हैं तो हो सकता है पूरा प्यूरीफाई, इस छोटे से मॉडल से भी हो सकता है। ओके तो हमने हमने बहुत सारा डाल दिया है, पूरा डिब्बा खाली कर दिया। इसको हमें इसको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हिलता बहुत है। डिब्बा खुला है कि नहीं? अच्छा यहाँ से जाता है ना, मैं भी कहाँ से डाल दूँ। बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है वैसे। इसके लिए मैंने स्पून बनाया था। पंखे में लग गया एक दाना और। ओके तो ये देखिए मम्मी, वाह भूसा यहाँ से साइड से इतना अलग हो चुका है भूसा। चावल को बाहर निकाल रहे, देखिए चावल इस तरीके से साफ हो गए। 2-3 बार करेंगे, देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रहता है, 2-3 बार करने पे हो जाएगा। पर लगभग तो वैसे रियल मशीन जो होती है उसमें भी ऐसे ही 2-3 धान के हमारे हस्क वगैरह मिलते ही हैं। तो हमें इसका बहुत अच्छा मॉडल बनाया मैम ने, मुझे कहा था बहुत।
तो उधर यहाँ पे 9 पॉइंट वाला बैटरी है 9 वोल्ट का, और जिससे ये हमारा फैन चल रहा है, स्विच ऑन ऑफ करने वाला है, और तार हमारे कनेक्ट है, और ये इसकी प्लेट है जिससे कनेक्ट हुई है, मतलब इससे कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे पहले से कनेक्ट नहीं रहता है। और मैंने यहाँ पे एक सॉल्ट का ढक्कन से इसको इसका स्टैंड बनाया था, कार्डबोर्ड वगैरह से मैंने सब बनाया, देन टेप से इसको डेकोरेशन किया है। वैसे मैंने थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प ली है थोड़ी सी, और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो ये मेरा इंस्पायरमेंट जाने वाला है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।